क्या इसका परिवार बोल रहा हूँ कि इसको जो है हार्ट अटैक का पेशेंट है, दो तीन बार का कहिया थे एंजियोग्राफी कराए हैं, बाईपास भी हुआ है, बाईपास भी हुआ है, का कहिया था। अरे आदमी को कम से कम जीने खाने देना चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं आचोले प्रभाग समिति अंतर्गत ब्रॉडवे से थोड़े करीब में, यहां एक ये सोसाइटी है, यहां सोसाइटी में इस समय ये तोड़क कार्यवाही जारी है। आप देख सकते हो यहाँ दुकानों के आगे इल्लीगल तरीके से कुछ बांधकाम किया गया, उस पर तोड़क कार्यवाही है। अभी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, पूरी जानकारी लेना हमारा बाकी है, लेकिन आप देख सकते हो किस तरह से काम, अभी लोग यहाँ सामान निकाल रहे हैं और उसी में महानगर पालिका की तोड़क कार्यवाही हो रही है। यहाँ पीछे काफ़ी कुछ तोड़ा गया है, काफ़ी तहस नहस किया जा चुका है और यहाँ अभी दुकान में से सामान निकालते ही तोड़क कार्यवाही आ रही थी। ये हिल्टन प्लाजा एवरशाइन सिटी की हिल्टन प्लाजा सोसाइटी है, यहाँ का कुछ हमें अभी जानकारी मिली है, किसी ने शिकायत की लोक अदालत में, लोकायुक्त के पास शिकायत गई और उनके आदेश पर यह कार्यवाही हो रही है। लेकिन इस कार्यवाही में सवाल ये उठ रहे हैं कि यहाँ ये लोगों का आरोप है कि कार्यवाही जो है वो एक तरफा हो रही है और आप देख सकते हैं कार्यवाही कितनी जोर शोर से ये तोड़क कार्यवाही जारी है। तो अभी हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर, हमारे पीछे एक ब्यूटी पार्लर है जिनसे अपनी हमने चलाने वाले संचालक से बात की, तो वो उन्होंने भाड़े में चालू किया, सिर्फ एक महीना हुआ और उनको इस बात की मालूमात भी नहीं थी, तोड़ दिया गया, उनका सामान तक निकालने की उनको समय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और इस तरह की कार्यवाही जो है महानगर पालिका की, इसकी वजह से लोगों का काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, यहाँ लोग परेशान है पूरा। आप देख सकते हो कितने लोग यहाँ रोड पर उतर आए हैं और अपने ये सब लोग, कई लोग इसमें प्रभावित है तो कई लोग यहाँ दर्शक के रूप में भी है। सामने की सोसाइटियों में भी इसी तरह का हालात है और यहाँ लोग सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्यवाही जानबूझकर की जा रही है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नाला दोबारा से यूसुफ अली। नहीं, ये इनके बारे में माननीय लोकायुक्त के पास कंप्लेंट हुआ है, तो लोकायुक्त ने हम लोग को ऑर्डर दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, हम लोग को रिपोर्ट करें, वो हिसाब से इधर कार्रवाई हो। कब नोटिस दिया था आपने इनको? एक महीना पहले नोटिस दिया कि बाबा तुम खुद निकालो। ऐसे और प्रकरण बसई विरार में जैसे और शाही इलाका और भी है? नहीं नहीं, मेरे इलाके में तो एक ही है। ये सोसाइटी थी और जो आपने, और एक सोसाइटी है आगे, और तीन का सोसाइटी के लिए कंप्लेंट है, तीन सोसाइटी। लोगों का आरोप है कि कार्यवाही ऐसा कोई आरोप नहीं, बाकायदा इन लोग को नोटिस दिया गया, सबको नोटिस दिए सबको। अपना सामान तो हटा दे, अभी ऐसे जाएंगे क्या बोलते हैं? हम लोग को कभी एग्रीमेंट हुआ तो कभी भी बोले इलीगल है, ओनर को मालूम है ना। आप लोग किराए पर दे? हाँ, रेंट पे हम लोग। क्या, किस चीज़ का था आपको? पार्लर का। कब से लगाया आपने? एक ही महीना हुआ है अभी, जस्ट 1 जनवरी से चालू हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम बीड लोपेस है। कहाँ रहते हैं आप? मैं वसंत नगरी में रहता हूँ। ये बिल्डिंग में कार्यवाही शुरू है, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं, अभी इन लोगों को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, तोड़ने से पहले वो इन्फॉर्म किया था क्या, नोटिस दिया था क्या, नहीं दिया था, वो पहले देखना पड़ेगा ना, हमको तो पता नहीं। मैं अभी यहाँ से जा रहा था, आने के टाइम पर देखा ये सब टूट रहा पड़ा हुआ है और वहाँ पे शिवसेना का ऑफिस है, उसी को कोई हाथ नहीं लगा रहा है क्योंकि वो पॉलिटिशियन का ऑफिस है इसके लिए। और यहाँ पे साइड में भी तोड़ा है, वहाँ पे देखो फुटपाथ पे भी है, वहाँ पे फुटपाथ ब्लॉक करके रखा है, उसको कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्यवाही? हाँ, एक तरफा लग रहा है ना, ऐसे ही तो दिख रहा है, और क्या है। अब पता नहीं इनको नोटिस दिया क्या नहीं दिया है, ये अपनी रोजी रोटी कमाता है, इनको कोई देता नहीं है, ये अपनी मेहनत करके अपने दम पे कमाते हैं और इन लोग आते हैं उनका तोड़ने के लिए। अरे उधर बात बना लिए हैं पूरा, लेकिन इल्लीगल आके बांधा हुआ है वो, हमको नहीं मालूम है इल्लीगल है क्या नहीं है, ये इतना साल से है ये, मैं देख रहा हूँ यहाँ से परमिशन भी नहीं। अरे सोसाइटी से परमिशन है, बताएं तो परमिशन दिखा दो, चेयरमैन और सचिव। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ हाँ, इसी पर रहता हूँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अशोक तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे? तब आपने परमिशन लिया था, आपको नोटिस आया? परमिशन हम सोसाइटी से लिए थे, सोसाइटी से
परमिशन लेकर के बनवाए थे इसको? नहीं, लेकिन महानगर पालिका से परमिशन लिया था। महानगर पालिका से नहीं लिया था, झूठ क्यों बोल रहे? महानगर पालिका का नोटिस आया अभी, थोड़ा कार्रवाई का भाई। नोटिस तो आया था एक बार नहीं, कई बार आया था, लेकिन हम ही को नहीं। ये बताओ, बीच से एलाउ है, नोटिस आया है वहाँ से लास्ट हिसाब से लेकर गेट तक है, तो क्या शुरू वहाँ से शुरू करना चाहिए कि मिडिल से बीच से? ये बताओ, इलीगल है कि नहीं? गलत इनका भी एक नहीं, गोश्त तोड़ो भाई, कोई बात नहीं है। आप ये आरोप लगा रहे कि जानबूझकर आपके साथ तोड़ा? हाँ, जानबूझकर तोड़ रहे हैं हम लोगों को। क्या नाम है आपका? क्या है? मेरा विकास है। क्या आपका क्या आरोप है? इलीगल है ये। क्या इलीगल? ये जबरदस्ती तोड़े है ना? अरे साहब, तोड़े तो ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक साइड से तोड़े ना, उधर सब दुकान बना लिए हैं, कोई नहीं बोल रहा है, चल जाए तो बीच से क्यों तोड़ना शुरू कर दिया? बीच से तोड़ना शुरू कर दिया, आगे थोड़े होते ठीक है, इधर थोड़े होते चलो ठीक, हम भी उसमें कुछ नहीं देते। ये भी तो इलीगल है ना? सही बात है, इनको क्यों नहीं? अरे इलीगल तिहास वहाँ तक भैया, देखो उधर सब दुकान बना लिए हैं, उधर दुकान बना लिए हैं कि नहीं? रोडवे की तरह बना लिए हैं, घेर लिए हैं चारों तरफ से, दीवार बना लिए हैं, उधर नहीं गए। क्या नाम है आपका? विश्वास शकट। आपका कितने साल से? मैं गए 17 साल से इधर अपना गुजारा कर रहा हूँ परिवार का। तो आपको नोटिस वगैरह आया था? नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया इन लोगों का, आया था नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, और डायरेक्ट आके तोड़फोड़ किया। किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? मेरे को अभी मेरा जो अभी पूरा पूंजी था वो पूरा उसमें चला गया, अभी क्या क्या अभी परेशानी है? तो मेरा परेशानी बेचारा उसी से, इसका परिवार बोल रहा हूँ कि इसको जो है हार्ट अटैक का पेशेंट है, 2-3 बार का कहिया थे, एंजियोग्राफी कराए हैं, बाईपास भी हुआ है, बाईपास भी हुआ है, का कह जाता है। अरे आदमी को कम से कम जीने खाने देना चाहिए, जियो और जीने दो। हैं? सही बात, सही बात, सही। जियो और जीने दो। फुटपाथ चल रहा है सब उस साइड में, लेकिन ये भी तो फुटपाथ कवर किया है ना, ये देखिए फुटपाथ से कैमरा मारिए, देखिए ये भी सब तो बांधा है, इनको क्यों नहीं तोड़ रहा है फिर? ये न्याय है क्या? मैं पूछता हूँ, ये न्याय है क्या? आपका ये इंजस्टिस, आपका आरोप है कि पॉलिटिकल दबाव में माना जाता है? पॉलिटिकल दबाव को कोई कुछ नहीं करता है, पॉलिटिशियंस को गलत है ना, वहाँ पे तोड़ रहा है, यहाँ पे ये जो फुटपाथ कवर कर रहा है, ये जो ऑफिस है यहाँ पे, उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये भी तो फुटपाथ है, देखिए आप देखिए ये क्या है, गलत है ना? जस्टिस सबको इक्वली होना चाहिए, ये तो उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो गया अगर वो तोड़ रहा है तो। ठीक है, चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।